नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सभी लोगों। अभी हम लोग जो है जयपुर से बाड़मेर जम्मू तवी एक्सप्रेस से सुबह 3:50 पर यहाँ पर उतरे हैं। ट्रेन ने बहुत जल्दी उतार दिया है और जो है विद फैमिली हम लोग आ रखे हैं यहाँ पर। और ये हैं हमारे रितु सिंह और हमारे हम लोग अपने बच्चों को जो है हॉल बिछा करके कंबल लगा करके इनको सुला दिया है। अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि 6 बजे का तो हम लोग नीचे किसी होटल में जाएंगे। हालांकि कमरा बुक है लेकिन अभी चूँकि हम लोग यहाँ नए हैं इस वजह से हम लोग होटल अकेले नहीं जाना चाह रहे हैं। अंधेरा है, जब थोड़ा सा उजाला हो जाएगा, ट्रैफिक चलने लगेगा तो उसके बाद में हम स्टेशन से नीचे उतरेंगे। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि उपयुक्त प्रतीत होता है। स्टेशन बहुत लंबा है यहाँ का, थोड़ा थोड़ा ठंडा है यहाँ पर। अभी हमने इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में पढ़ने से काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में पता चले। यदि हम देखते हैं इसके भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो ये पाकिस्तान और कच्छ गुजरात बॉर्डर के पर ये जिला स्थित है और ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है अगर हम भौगोलिक इसके क्षेत्रफल के रूप में देखें, और देश का सबसे बड़ा 5वां जिला है। इसकी जनसंख्या भी काफ़ी है, कई सारे राज्यों से इसके भौगोलिक क्षेत्रफल ज़्यादा है, जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ, सिक्किम हुआ, वो कई सारे राज्यों से इसका जो क्षेत्रफल ज़्यादा है। यदि हम इससे आर्थिक संसाधनों के बारे में देखें तो यहाँ पर कोयला और तेल बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे राज्य सरकार ही नहीं भारत सरकार के राजस्व के स्रोतों में भरपूर्ति करता है। और यदि हम आर्थिक इसके जो है धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण को देखें तो अभी हम लोग घूमेंगे तो और फोटोग्राफी के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी हमसे जो इंटरनेट से हमने जो पढ़ा उसके बारे में यही कह सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे टेम्पल हैं, पुरानी टेम्पल है यहाँ पर, जो ब्रह्मा जी टेम्पल है, बहुत सारे हमने मंदिर हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं और यहाँ के जो है पुरातात्विक महत्व रखते हैं। उन सारे जो स्थलों को अभी एक दो दिन में हम लोग भ्रमण करेंगे, उसका आनंद लेंगे। और यहाँ पर ऊँट की सवारी, यहाँ के जो है स्थानीय वेशभूषा, इन सबका सब का यहाँ पर जो है लोग अभी भी प्रयोग करते हैं। आधुनिक वेशभूषा में की तुलना में जो है पारंपरिक वेशभूषा ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अभी हम ये देख सकते हैं कि जो है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 14 तहसीलों में विभाजित है और बड़ी बड़ी तहसीलें हैं। और हम ये बता ही चुके हैं आपको कि देश का ये सबसे बड़ा 5वां जिला है और राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला है, चूँकि ये पाकिस्तान और कच्छ बॉर्डर पर